रुचिज वर्चुअल कुक बुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चॉकलेट कोकोनट केक। चॉकलेट और कोकोनट की मिठास मिलकर एक अमेजिंग केक बनता है। इसे खाकर आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जो केक बना रहे हैं उसके तीन स्टेप हैं। पहला केक बेक करना, दूसरा चॉकलेट गनाश तैयार करना और तीसरा केक की गार्निशिंग करना। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे ताकि इसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज हो वो निकल जाए और इसमें एयर ट्रैप हो जाए। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप आटा, 1/2 कप सूजी, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1 teaspoon बेकिंग सोडा, 1 teaspoon कॉफी पाउडर, 1 चुटकी नमक। इन सभी को हम अच्छे से छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे सारे छन चुके हैं, इन्हें हम अलग रख देंगे। 1 कप फ्रेश कोकोनट मैंने लिया है, इसे ग्रेट कर लिया है। इसमें 1 tablespoon कॉर्नफ्लोर मिक्स करके मैं इसे एक तरफ रखूंगी। बनाने के लिए आज मैं कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए मैं लूंगी 1 कप कंडेंस मिल्क, 1/4 कप इसमें ऑयल डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वन टीस्पून वनीला एसेंस, 1/2 कप दूध, 2 ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अपने बैटर में मिक्स करेंगे। हाफ कप वॉर्म वाटर में इसमें मिक्स करूंगी। ये नारियल और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था वो इसमें मिक्स कर दूंगी। वन टीस्पून नींबू का रस इसमें मिक्स कर रही हूँ। मैंने बटर पेपर लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें मैं अपना बैटर डालूंगी। इसे हम अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें कुछ एयर बबल्स हों तो वो निकल जाएं। अवन को मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। केक को 180 डिग्री सेल्सियस पर हम 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। 1/2 कप फ्रेश कोकोनट मैं इसमें डालूंगी और इसमें थोड़ा चीनी मिलाकर मैं थोड़ा सा कैंडीड कोकोनट बना रही हूँ। इसमें 2 टेबलस्पून मैं चीनी मिक्स कर रही हूँ। इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे, थोड़ी देर से ढक देंगे ताकि कोकोनट अपना पानी छोड़ सके। कोकोनट मिल्क में इसमें डालते हैं। कोकोनट हमारा थोड़ा सा पक भी गया है और कैरामलाइज भी हो गया है। इसे हम निकाल कर एक तरफ रख लेंगे और जब हम केक को डेकोरेट करेंगे उस समय हम इस कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे। आज हम जो चॉकलेट गनाश बना रहे हैं उसके लिए ना हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, ना हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम करेंगे कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल। इस कोकोनट मिल्क के गनाश से हमारे केक में एक डिफरेंट फ्लेवर आएगा जो आपको बहुत लुभाएगा।
मिल्क में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चॉकलेट डालेंगे और हीट ऑफ कर देंगे। इसे ढक कर हम 20 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद चेक करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे खोलकर चेक करते हैं। हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है अच्छे से। इसको धीरे धीरे चलाते हुए हम चॉकलेट और कोकोनट मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा चॉकलेट गनाश गर्म है, इसलिए इतना पतला है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। केक हमारा ठंडा हो गया है। ठंडे केक में जब हम हल्का गरम गनाश डालेंगे तो वो एक अच्छी सी शेप ले लेगा। केक को रूम टेम्परेचर में आने के बाद हमने फॉइल से कवर करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था। फॉइल से कवर इसलिए किया था ताकि ये ड्राई ना हो। अब हमारा केक ठंडा हो गया है तो अब हम इसमें आइसिंग करेंगे। अब इसमें शुगर सिरप मैं डाल रही हूँ। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने आधा कप पानी लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने चीनी डाली है। आधा से ज़्यादा शुगर सिरप मैं इसमें डाल दूंगी और बाकी मैं ऊपर वाली लेयर में डालूंगी। कैरेमलाइज कोकोनट में मैं 2 टेबलस्पून चॉकलेट गनाश मिक्स कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। कोकोनट और चॉकलेट गनाश का मिक्सचर में डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। सेकंड लेयर इसमें लगा देंगे और इसमें भी अब हम सिरप डालेंगे। ऊपर की लेयर में हम बहुत ज्यादा सिरप नहीं डालते हैं, फर्स्ट लेयर में ज़्यादा डालते हैं, सेकेंड लेयर में कम डालते हैं। साइड से भी थोड़ा सा सिरप पोर कर देंगे, नहीं तो हमारी साइड ड्राई रह जाती है। अब इसमें हमें चॉकलेट गनाश लगाना है तो हम धीरे धीरे करके इसमें स्प्रेड करेंगे चॉकलेट गनाश। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर गनाश डालते जाएंगे और इसे स्प्रेड करते जाएंगे। केक की लेयर्स के बीच में जो गैप्स हैं, हम उन्हें चॉकलेट गनाश से फिल करेंगे। 3 टेबलस्पून चॉकलेट गनाश मैंने इसमें स्प्रेड किया है। ये आपकी मर्जी पर है। अगर आप ज्यादा चॉकलेट के शौकीन हैं, आप और ज्यादा लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कम चॉकलेट हो तो थोड़ा कम चॉकलेट गनाश इसमें लगा सकते हैं। अब मैंने थोड़ा चॉकलेट गनाश मेल्ट कर लिया है और इसमें मैं साइड्स में पोर कर दी। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, इसे मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है चॉकलेट और कोकोनट के अनोखे स्वाद वाला केक आपको जरूर भाया होगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आपका दिन खुशियों से भरा रहे, यही मेरी शुभकामना है। इसी तरह के अनोखे स्वाद वाले केक्स की रेसिपीज के लिए रुचिज वर्चुअल कुकबुक को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।